नाम रमिशा फैज सोफी है, मैं इधर ही अनंतनाग में रहती हूँ और मैं जीत कौंडू और टोंगल मोडो भी मैंने खेला है। तो इन सारी गेम्स में मुझे 4 गोल्ड मेडल्स मिले हैं और फिर उसके बाद मेरी ब्राज़ील में इंटरनेशनल सिलेक्शन हो गई थी, लेकिन जब ये आर्टिकल 370 का हो गया केस तो फिर उसके बाद फिर वो सारा ही कैंसिल हो गया। 6th और 7th क्लास में पढ़ती थी तो फिर हमारे स्कूल में एक बार ये आकिब सर आए जो मेरे कोच है, तो उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एक इवेंट प्लान किया था, उसके लिए उन्होंने हमें लिया। तो हाँ ऐसे ही मैं मम्मा के पास भी परमिशन ली, उन्होंने बोला कोई बात नहीं इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए। फिर जब मैं वहाँ गई तो मुझे इस गेम में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आया। उसके बाद हम कंटिन्यू इनके घर कभी विमेंस कॉलेज स्कूल्स में प्रैक्टिसेस करते थे बहुत ज़्यादा। तो फिर इन्हीं प्रैक्टिसेस के साथ साथ फिर ऐसी नेशनल सिलेक्शन स्टेट वगैरह सारा खेला, जब तक फिर इंटरनेशनल सिलेक्शन। 4 गोल्ड जीते, एक मैंने सबसे पहले टोंगल मोडो में जम्मू में फेडरेशन कप श्रीनगर में, दूसरा वो था जीत कौंडो का, और हरियाणा में टोंगल मोडो का एक और गोल्ड जीता था और जीत कौंडो में एक और। ज़्यादा होती है मगर नर्वसनेस, चाहे आप कितनी भी मैच खेलो फिर हर एक बार ही जितना आप एक एक स्टेप जाते हो नर्वसनेस बहुत ज़्यादा होती है, मगर जब आपकी प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी तो फिर खुद ही परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है। बहुत ज़्यादा खुश हो जाते थे, मतलब उनके आंसू आ जाते थे खुशी के मारे कि हाँ नहीं हमारी बेटी ने भी कुछ किया है स्पोर्ट्स में वगैरह। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और मुझे मेन पावर लगा कि मेरी स्ट्रेंथ जो थी वो थ्रोइंग थी, तो मैं काफ़ी ज़्यादा थ्रो करती थी, लड़कों के साथ भी प्रैक्टिस करती थी, जिसकी वजह से मतलब मस्कुलर लेवल अच्छी हो जाती थी और फिटनेस भी काफ़ी रहती थी। मैं बहुत ज़्यादा ओबीस थी पहले, मैं मोटी थी अच्छी खासी, मगर फिर पेरेंट्स बोलते थे मुझे सड़क पर चलना तक नहीं आता था अकेले। फिर जब प्रैक्टिस हो गई तो फिर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ हो जाता है, फिर अकेले कहीं पर भी जाना हो फिर डर नहीं लगता। जब लेटर आई कि आप ऐसे हो गए हो इंटरनेशनल सेलेक्ट, तो बहुत ज़्यादा खुश होगी, तैयारियाँ शुरू हो गई, प्रैक्टिस मैंने एक महीना पूरा स्कूल मिस किया, पूरा स्कूल डिच किया, उसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की एक महीना, मगर फिर जब ये आर्टिकल 370 हो गया तो फिर सारा वही बंद हो गया। पहले हम प्रैक्टिस करने वुमेंस कॉलेज में जाते थे, तब परमिशन दी गई थी, फिर उसके बाद वहाँ बंद हो गया, फिर ऐसी कैट स्कूल, फिर उसके बाद एक और स्कूल बंद हो गया, फिर हमने क्लब खोला था कार्डू बिल्डिंग है यहाँ पे केपी रोड पे, तो उस पर रेंट के लिया था एक हॉल, फिर वहीं पे प्रैक्टिस होती थी। सबसे ज़्यादा आइकन अपना अपने कोच को ही मानती, कोई इंटरनेशनल प्लेयर भी कुछ नहीं, अपने कोच को, वो इतने सेल्फ डिसिप्लिनड है कि मतलब हम चाहते हैं कि हम उन्हीं की तरह बने, जैसे वो एक्ट्स करते हैं हम वैसे करें, उनकी तरह बात करें, उनकी तरह खेलें, बस यही है, वही हमारे आइडल है। नहीं आई कहीं पे भी, उन्होंने एक बार भी मुझे ना नहीं किया है, हर जगह बोला है कि नहीं जाओ आप खेलो सब कुछ करो जो करना है करो, ये आपकी लाइफ है और आप ऐसे बहुत ज़्यादा फिट भी रहते हैं, हेल्थ अच्छी रहती है, तो फिर आप जाओ, बिल्कुल बहुत ज़्यादा सपोर्ट मतलब होते ही हैं, चाहे सारे कोई ना कोई मतलब हर एक के साथ होता ही है कुछ ना कुछ ऐसा, जो हम मतलब लड़कियां निकलती हैं बाहर कहीं ना कहीं टीज होता है पीछे से, कुछ भी होता है, मतलब पहले कॉन्फिडेंस नहीं था वापस बोलें कुछ, क्या डर लगता था पहले, मगर अब बिल्कुल भी डर नहीं लगता है, क्योंकि अगर कोई कुछ बोलता भी है तो वापस है हिम्मत बोलने की, क्योंकि हमारे पास अब वो स्ट्रेंथ भी है कि हम कुछ कर सकते हैं वापस। क्या मजबूर है मतलब बहुत सारी लड़कियों को भंग करते हैं कि घर पर मतलब घर से बाहर मत निकलो, मतलब घर से बाहर निकलना भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि कभी ना कभी बाहर निकलना ही है, और आज वैसे अगर कोई जिसने दुनिया देखी नहीं तो वो आज की दुनिया में काम नहीं आता है, बाहर निकलना पड़ता है, कभी ना कभी आपको बाहर पढ़ने जाना है, आपकी खुद की सेफ्टी पे है, आपको हॉस्टल्स में रहना है, बहुत ट्रैवल करना है, पूरी दुनिया घूमनी है, तो इस टाइम आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होनी चाहिए। अगर आपको पूरे टाइम घर पे बंद रखेंगे फिर अचानक बोलेंगे बाहर पढ़ने जाओ तो कैसे करेंगे वो हैंडल, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बोलते थे टांग हाथ वाथ टूट जाएगा, लड़की हो टांग वाथ टूट जाएगी, मतलब ऐसे मतलब लड़की क्या होता है, मतलब लड़के और लड़के दोनों खेलते हैं, फिर तो आप लोगों के लिए बेटे इंपॉर्टेंट नहीं है, बेटों की टांग टूट जाए तो फिर क्या हल्का ही हल्के में लेते हो, लड़कियों की टांगें टूट जाए तो बहुत मुश्किल है, मगर दोनों का इक्वल ही होता है, और ये इम्पॉर्टेंट होता है बेटा भी और बेटी भी। अब जब हम बाहर बाहर निकलते हैं तो फिर क्या होता है कि लड़कियों को बंद करते हैं घरों में, है ना, तो फिर क्या अब मगर जब हम निकलते हैं यूनिफॉर्म्स लगा के अपनी, जो हमें लोगों की आंखों में रिस्पेक्ट मिलती है वो मतलब बहुत, मतलब आज लोगों का बहुत ब्रॉड माइंड हो चुका है, मतलब लोग उस पुराने कंसेप्ट से बाहर निकल चुके हैं।
बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आज लड़कों के लिए भी और लड़कियों के लिए भी, मगर लड़कियों के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम जितने भी केसेस देखते हैं लड़कियाँ ज़्यादा इन्वॉल्व होती है उसमें, और हम कभी भी मतलब ऐसे खुद की सेल्फ सेफ्टी नहीं रख पाती हैं, तो फिर इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लड़कियों का सेल्फ डिफेंस। गेम अच्छी है, हर कोई गेम फिटनेस बनाती है, मगर आप मतलब अपने बच्चों को छोड़ो, थोड़ा सा छूट दे दो ताकि वो कुछ खेले देखे, लोगों को बाकी लोगों से इंटरेक्ट करे। कुछ क्या बच्चे होते हैं कि अगर उनको घर में आप छोड़िए स्पोर्ट्स वोर्ट्स, जो मैं यहाँ पे आई हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा शाई पर्सन थी तो मैं ज़्यादा दोस्त भी नहीं बना पाती थी, आज मेरे इतने ज़्यादा दोस्त हैं कि पूछो मत, मतलब बड़े होकर दोस्त ही काम आते हैं। और यहाँ पे ऐसे पूरी शाइनेस चली जाती है, बच्चों की हेल्थ भी रहती है, आज सारे घर पर बैठे बैठे बहुत हेल्थ डिजीज हो गई, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, हेल्थ भी यहाँ पर डाइट भी बताते हैं आपको क्या क्या खाना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट है, जंक फूड्स नहीं खाने चाहिए, ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बोल्डनेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है। मतलब आप चाहे यहाँ पे आपको ऐसे खड़ा करते हैं, आपको खुद का आप खुद रिप्रेजेंट करना पड़ता है, कोई आपके लिए नहीं बोल सकता, आपको खुद के लिए खुद आवाज़ उठानी पड़ती है, मतलब ऐसे इससे सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ता है। मुझे काफ़ी स्कूल्स में रिप्रेजेंटेशन वगैरह हो जाती थी, प्रेजेंटेशन देनी पड़ती थी, मतलब मैं बहुत ज़्यादा शाई थी, फिर बोलते हैं ना उसके लिए पढ़ाई ज़्यादा अच्छी करनी पड़ती है, जब से मैंने स्पोर्ट्स ज्वाइन किया मेरी प्रेजेंटेशन ऐसी बढ़ गई है, बोलते हैं ना कि स्पोर्ट्स खेलोगे दरबदर हो जाओगे और फिर क्या हो जाता है आपकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो जाएगी, मगर इससे मेरी पढ़ाई भी ज़्यादा इंप्रूव हुई क्योंकि माइंड ज़्यादा बहुत ज़्यादा फ्रेश था। हम सुबह सुबह सवेरे सवेरे पूरे को जॉगिंग करके आते थे, प्रैक्टिस करते थे, वर्कआउट्स करते थे, उसके बाद जब घर जाते थे तो मतलब थकते थे, मतलब हम नैप्स भी लेते थे, मगर उसके बाद जो फिर माइंड फ्रेश होता है जिस लगन से फिर पढ़ना आता है फिर वो बहुत अच्छा होता है। क्या? मतलब जो एजुकेटेड होगा तो उसको ऑलरेडी पता ही होगा स्पोर्ट्स की इंपॉर्टेंट क्या है, मतलब एजुकेशन में तो ऑलराउंड डेवलपमेंट ही आती है और उसमें स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा मेन, चाहे आप कोई भी स्पोर्ट्स खेलो दिल से खेलो और बहुत ज़्यादा हेल्थ बनाओ, अपनी फिटनेस रखो क्योंकि जितना आपकी फिटनेस ज़्यादा कम होगी उतनी ज़्यादा आपकी बीमारियाँ अटैक करती हैं, और आज आपको पता ही है कोरोना वायरस है तो आप टीवी पे भी बोलते हैं कि जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है उनको ये बीमारियाँ जल्दी लगती है, और आज ये बीमारियाँ इतनी ज़्यादा फैल गई है कि पूछो मत, मगर हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेफ्टी रखते हैं और हमारी प्रैक्टिस की वजह से हम कोरोना वायरस से भी बच रहे हैं। मतलब मुझे बहुत चेंजेस भी आती है इंसान में, काफ़ी ज़्यादा सीखते हैं कि लोगों से कैसे इंटरेक्ट वगैरह करना है और स्पोर्ट्स कैसे खेलना है, स्पोर्ट्स की वजह से बहुत डेवलपमेंट होगी, ऑलराउंड डेवलपमेंट। मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि मेरी पढ़ाई में या फिर हेल्थ में, मतलब माइंड पूरी, और आज माइंड की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, कितने बच्चे डिप्रेशन में गए हैं घर पर बैठ के गुंडी लगाते, अगर वो घर के बाहर नहीं निकलेंगे तो दिमाग की बीमारियाँ भी आएंगी ही आएंगी, अगर हम बाहर निकलेंगे तो फिर मतलब फुल बॉडी अच्छी रहेगी। मतलब मैं एक घंटा दो घंटा, क्योंकि अब मेरे मतलब भी बोर्ड्स आ रहे हैं, मैं अब ये 10th क्लास में हूँ, तो फिर अब मतलब पहले मैं बहुत ज़्यादा टाइम देती थी, आज मैं एक घंटा देती हूँ मगर छोड़ती नहीं हूँ, कॉन्सिस्टेंट रहना पड़ता है। हाँ मैं करती हूँ स्पोर्ट्स, मगर पढ़ाई भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई भी है और स्पोर्ट्स भी है, तो इनको बैलेंस करना पड़ता है ऐसे कि आपको जो भी काम आप दिल से करोगे तो वो होगा, अगर आप स्पोर्ट्स खेलोगे फिर वहाँ से आपका पढ़ाई में मन नहीं होगा, ऑलरेडी मतलब खुद पढ़ाई डिग्रेड ही होगी, मगर अगर आपका दोनों में दिल है, मतलब आप इंसान ही ऐसे हो कि आपको दोनों चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो फिर आप दोनों बैलेंस आराम से कर सकते हैं। एक बच्चों को छोड़ना चाहिए बाहर, क्योंकि ऐसे वो सीखेंगे बहुत कुछ, ऐसे नहीं जब नेशनल्स में जाते हैं तब उनको घर की कदर आएगी कि मतलब खाना, माँ का प्यार वो वहाँ साथ नहीं होता है, वहाँ पे खुद ही मेंटेन करना पड़ता है, ऐसे हम कपड़े निकाल के फेंक दो मम्मा प्रेस करो है ना, तो फिर क्या होता है कि वहाँ पे खुद अपने आप को खुद मेंटेन करना पड़ता है, जो डिसिप्लिन आता है, और फिर पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, मतलब अगर आप अपने बच्चों को छोड़ोगे, बेटे बेटियों को छोड़ोगे आप डिसअपॉइंट नहीं होगे, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा कि वो बहुत ज़्यादा तमीज़ सीखे आए हैं, खुद का काम खुद ही कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। पहले डर रहे थे कि मतलब सारे बोल रहे थे क्या छोड़ोगे बेटी को, टांग वांग टूट जाएगी जैसे मैंने कहा, लेकिन फिर मम्मा ने बोला नहीं सीखना तो है, कुछ ना कुछ तो करना है, नहीं निकलना है बाहर। फिर उसके बाद ऐसा होता था कि मम्मा जो है वो खुद भी वॉक पे जाती थी, मेरे को भी प्रैक्टिस छोड़ के आती थी, फिर जब तक मुझे आदत हो गई बाहर निकलने की, और फिर हम खुद ही अकेले। मैं अपने पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उनने बाकी पेरेंट्स, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को नहीं छोड़ते हैं बाहर, मगर उनने मुझे कभी रोक टोक नहीं लगाई, इसलिए मैं उनके लिए बहुत मतलब मैं उनकी बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत घर के बाहर छोड़ा और मुझे भरोसा किया कि नहीं ये कुछ ना कुछ करेगी। अपने पेरेंट्स और जितने भी मेरे फ्रेंड्स, हमने सपोर्ट किया, मेरे कोच सबसे बेस्ट थे, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है,
मेरी मतलब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवाई, अपना टाइम दिया, उनका खुद उनकी खुद की पढ़ाई है, मेरी पढ़ाई है, और साथ साथ जब उनको लगा कि मैं पढ़ नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ सोती रहती थी, तो फिर वो क्या करते थे, नहीं वो मुझे बहुत मोटिवेट करते कि नहीं तुम पढ़ो, तो फिर उसके बाद क्या करते थे, वो मुझे यहाँ पे पढ़ाते थे, प्रैक्टिस करने के बाद मुझे पकड़ के पढ़ा के टेस्ट वगैरह लेते थे। शुक्रिया।